और अब बात करते हैं राज्य के सहायक पुलिस कर्मियों की, जिन्हें मोरहाबादी मैदान से 15 अगस्त की तैयारी की वजह से हटा तो दिया गया है। अब इनका डेरा नंडा खेलगांव चला गया है, वहां पर ये लगातार धरने में हैं। कोई वार्ता इनकी होती हुई नजर नहीं आ रही है, सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि एक बार वार्ता हुई लेकिन सहमति नहीं बन पाई है। इनकी मांगों को लेकर अब निराश हो चुके हैं और लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इनकी मांगों पर ये ध्यान दे, क्योंकि जितनी भी टफ ड्यूटी होती है नक्सल प्रभावित इलाकों में इन्हें भेजा जाता है, लेकिन वैसे कुछ फैसिलिटी, वैसी सुविधाएं इन्हें नहीं मिलती हैं, वो मानदेय इन्हें नहीं मिलता है जिससे परिवार को ये अच्छे तरीके से चला सके। और अपनी मांगों को लेकर ये अभी भी डटे हुए हैं, महिला पुरुष सभी धरने में बैठे हुए हैं। सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए। अमित, सहायक पुलिस कर्मियों की मांगों पर अब तक ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मांगों पर सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही, आखिर कब तक ऐसे धरना चलता रहेगा, कब तक इनका आंदोलन चलता रहेगा? जी बता दें कि लगभग 41 दिनों से ये झारखंड के जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि 38 दिन तक लगातार वो मोरहाबादी मैदान में डटे रहे, लेकिन उसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं खेलगांव में शिफ्ट कर दिया गया। अब उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर 15 अगस्त से पहले जो हमारी मांग है अगर वो पूरी हो जाती है, सरकार हमारा जो हमने जो भी प्रस्ताव दिया है, हमारी जो मांगे हैं उस पर अगर ध्यान दे देती है, अगर नहीं होता है तो फिर वापस हम 16 अगस्त से एक बार फिर से मोरहाबादी मैदान पहुंचेंगे और फिर से आंदोलन जो है लगातार जारी रखेंगे। हालांकि आंदोलन जो है उनका अभी भी जारी है। उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी जो मांग है वो जब तक कैबिनेट में पूरा अगर प्रस्ताव नहीं लाया जाता है तब तक हम लोग जो है आंदोलन करते रहेंगे। बता दें कि पिछले दिनों जब कैबिनेट की बैठक हुई थी 7 अगस्त के दिन, तो इन लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि इस कैबिनेट की बैठक में कहीं ना कहीं हमारी जो प्रस्ताव है, हमारी जो मांग है उस पर विचार किया जाएगा और कहीं ना कहीं प्रस्ताव जो है लाया जाएगा, लेकिन वो काफ़ी इंतजार करते रहे। लगभग 2200 सहायक पुलिसकर्मियों को काफ़ी जो है उम्मीदें थी इस कैबिनेट बैठक से, लेकिन कहीं ना कहीं जब कैबिनेट बैठक हो जाती है 37 जो एजेंडे हैं उस पर मुहर लगती है, और उस 37 एजेंडों में कहीं ना कहीं सहायक पुलिसकर्मी का कहीं कोई नाम नहीं आता है, उसके बाद ये लोग काफ़ी निराश हो जाते हैं और साफ तौर पर कहने लगते हैं कि पता नहीं हमसे कौन सी ऐसी गलती हो गई कि हेमंत सरकार जो है हमें इग्नोर कर रही है, हमें नजरअंदाज कर रही है। तो क्या हमें ये माना जाए कि लोग जो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं इससे सरकार की भी किरकिरी हो रही है, तो अगली कैबिनेट में इनकी मांगों पर कुछ विचार हो जाए? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो 6 विधायकों के साथ इनकी बैठक होती है और जो बैठक में जो भी फैसला लिया जाता है, हालांकि इन लोगों ने भारी मन से उसे स्वीकार भी किया, बाद में फिर एक बार वो कहते नजर आए, सहायक पुलिसकर्मी जो हैं वो कहते नजर आए कि मुझे इन सब चीज़ों पे अभी भी विश्वास नहीं है, इन पे जो विश्वास है एकदम हट सा गया है, क्योंकि पहले भी जो बंधु तिर्की जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं और इसके अलावा मिथिलेश ठाकुर जो मंत्री हैं, उनके द्वारा इन्हें आश्वासन मिला था जब 2021 और 22 में जब इन लोगों ने आंदोलन किया था झारखंड के सहायक पुलिसकर्मियों ने, तो लगभग 37-38 दिन आंदोलन उस टाइम भी चला था और उसके बाद बंधु तिर्की और मिथिलेश ठाकुर जो हैं दोनों ने इन लोगों से बात किया था और कहा था कि 2 महीने यानी कि 60 दिनों के अंदर जो है आप लोगों की जो भी मांग है हम उस पर ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि पूरा हो जाए, लेकिन नहीं हुआ और ये लोग जो है जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे वो ख़त्म करके वापस काम पे चले गए। लेकिन अब इस बार जो है इनका साफ तौर पर कहना है कि 2 बार हम लोगों को ठगा गया है और इससे कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर में जो अविश्वास जो है वो पैदा हो गया है और हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक कैबिनेट में ये स्वीकृति नहीं मिल जाती है, हमारी जो मांग है वो पूरी नहीं होती और प्रस्ताव जो है हम लोग का जो वो प्रस्ताव जो कैबिनेट में पारित नहीं होता है तब तक हम लोग जो है मैदान खाली नहीं करेंगे। हालांकि पिछले दिनों जब कैबिनेट की बैठक हुई उसके बाद में मंत्री हफीजुल हसन और SSP जो हैं उन लोगों ने इन्हें मिलने के लिए बुलाया, इनके जो प्रतिनिधिमंडल हैं वो इन लोगों से मिले और देर रात के बाद जब मंत्री हफीजुल हसन से मिलने के बाद निकले तो साफ तौर पर हमने उनसे बात किया तो उनका कहना था कि हेमंत सोरेन से हमारी बातें हुई हैं, यानी कि मुख्यमंत्री साहब से हमारी बातें हुई हैं और उन लोगों ने और मुख्यमंत्री ने जो है सहायक पुलिसकर्मी को लेकर के चिंता जताई है, उन्होंने कहा है कि हम लोग इनके लिए काम करेंगे, मतलब इनका जो प्रस्ताव है उस पर ध्यान देंगे अगली कैबिनेट, लेकिन कुछ बिंदु है जिसपे हम लोग अभी विचार कर रहे हैं और उसके बाद जो आपके जो फैसला है वो अगली जो कैबिनेट बैठी है संभवतः उसमें आप लोग का जो ये मांग है वो हम पूरा करेंगे। जी
तो चलिए एक उम्मीद बंधी है कि इनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा, अगली कैबिनेट में इनकी मांगों पर विचार होगा और इनके लिए कोई प्रस्ताव लाए जाएंगे। लेकिन 41 दिन हो गया है अमित, ये अपने घर परिवार को छोड़कर, महिलाएं भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, और ऐसे में वो लगातार धरने पर बैठी हुई हैं, कई तकलीफों का सामना भी करना पड़ता होगा। जब मोरहाबादी मैदान में तो लगातार झारखंड में जो बारिश हो रही थी, खास करके रांची की बात करें तो लगभग 36 घंटे लगातार बारिश हुई थी, और बारिश के दौरान ये तमाम जो झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी हैं काफ़ी जो कष्ट जो है वो झेल रहे थे, चाहे वो बात करें कि छत के घर में रहने के बावजूद भी लोग बारिश से काफ़ी परेशान थे, और ऐसे में वो खुला आसमान के नीचे रह रहे थे और काफ़ी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा था। हालांकि देखे तो जो मच्छर वगैरह है उनसे भी उनको परेशानी हो रही थी, पानी है उससे भी परेशानी हो रही थी, कहीं ना कहीं कितने झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी जो है बीमार भी पड़े थे, उन्हें मेडिसिन जो दवाइयाँ हैं वो भी उन लोगों को उपलब्ध कर, मतलब जो है वो ले दवाई जो है वो इस्तेमाल कर करके अपने आप को ठीक करके और लगातार आंदोलन कर रहे थे। कह सकते हैं कि बारिश हो, धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, जितने भी जो परेशानियाँ हैं वो सब ये झेल के ये सिर्फ इसी आस में बैठे हैं कि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जो है और इनकी जो मांग है उस पर ध्यान जाएगा और वापस ये लोग अगर पारित जो है कैबिनेट में हो जाएगी और वापस अपने गृह जिला जो है जहाँ ये कार्यरत हैं वहाँ चले जाएंगे। अब खेलगांव में जाने के बाद थोड़ी सी इनको जो है राहत मिली है। राहत ये मिली है कि जो पहले खुले आसमान में रह रहे थे अब कहीं ना कहीं इनको जो आंदोलन करने के लिए अब छत के नीचे ये लोग रह रहे हैं। लेकिन हमने उनसे बात भी किया तो उनका साफ तौर पर कहना है कि बहुत कुछ परेशानियाँ जो है अभी भी यहाँ पर है ही, लेकिन जब तक हम लोगों की जो मांग है वो पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, और सरकार से अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि अगर हमसे कुछ गलतियाँ भी हुई है तो माफ़ करें, लेकिन हमारी जो मांग है वो पूरी करें। अगर वो मांग पूरा हो जाता है 15 अगस्त से पहले तो हम लोग आंदोलन ख़त्म करके अपने अपने जो गृह जिला है, अपने जहाँ हम लोग कार्यरत हैं वहाँ चले जाएंगे। अगर नहीं होता है तो 16 अगस्त को फिर से एक बार मोरहाबादी मैदान जो है पहुँचेंगे और आंदोलन जो है उसे जारी रखेंगे। चलिए शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी भी आंदोलनरत हैं सहायक पुलिसकर्मी और उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर अब ध्यान देगी और अगली कैबिनेट में उनके लिए कुछ प्रस्ताव जरूर पारित होगा। लगातार ये इस बारिश के मौसम में भी धरने पर बैठे हुए हैं, महिलाएं भी शामिल हैं जो लगातार सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की मांग कर रही है, नियमावली में संशोधन करें और इनके मानदेय में बढ़ोतरी सहित कई मांगे हैं जिसे लेकर सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं।